हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। इस स्टॉक ने आज हमने अच्छा खासा बाइंग दिखा है, 94 के करीब ये स्टॉक एट द मोमेंट ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक करेक्ट हुआ था ड्यू टू आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक। जिस तरह से लास्ट वीक से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया। जब ये स्टॉक 80 के करीब था, मैंने आपको बार बार बोला था दिस इज द टाइम टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि जब बंधन बैंक और आरबीएल बैंक करेक्ट हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि फेडरल बैंक करेक्ट हो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस है, फेडरल बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एनपीए में सुधार है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड 80 के करीब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया, देखते ही देखते ऑलमोस्ट ये स्टॉक 20% ऊपर आ चुका है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लो एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 100, एक बार ये 100 पार करके सस्टेन कर जाए, मेरा टारगेट है 150 इन द ईयर ऑफ 22, यानी यहां से भी 50% रिटर्न ये स्टॉक आपको जेनरेट करके दे सकता है। 50 ना भी हो तो 130 तो जाएगा ही, यानी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको यहां से भी 30% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जिन लोगों ने 80 के करीब बाय किया है वो तो डेफिनेटली 50% रिटर्न यहां से पाएंगे ही पाएंगे। आपको सेल नहीं करना, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट द मोमेंट, इसको आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी एट द ईयर ऑफ 2022 आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। नेक्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस और भी सुधरेंगे एंड तब ये स्टॉक 120 करीब भी आपको नहीं मिलने वाला। सो डेफिनेटली जिन्होंने बाय किया है वो होल्ड करे, नहीं बाय किया है सो यहाँ भी बाय कर सकते हो, या फिर इंटरडे में यार करेक्शन आता है 90 के करीब मिले तो डेफिनेटली वहां पे भी बाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक फिर से इस रेंज को ब्रेक करके 80 की तरफ जाएगा, अगर बहुत बड़ा मार्केट में फॉल ना हो तो। मार्केट कैप 20,000 टच करने वाला है, प्राइस टू अर्निंग 11, लुक एट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बेटर देन एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज भी बहुत ही अच्छा है। ऑनली इट्स अ केरला सेंट्रिक बैंक, यानी साउथ में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। केरला में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कोविड केसेस बढ़ते या फिर केरला में कोई प्रॉब्लम के कारण स्टॉक डाउन होता है, बट केरला में अगर सब कुछ ठीक रहता है सो डेफिनेटली इन बैंक के परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हम देखेंगे। सो एट दैट मोमेंट देयर इज नो इशू रिलेटेड टू केरला, सो डेफिनेटली 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज था, अगर 90 के करीब मिले डेफिनेटली आप बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। दिस बैंक विल मेक यू वेरी रिच एंड गिव यू अ मल्टीबैकर रिटर्न एज वेल। टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में इसका 62.7 है, एमएफआई में 70, ऑलमोस्ट ये ओवरबॉट जोन के करीब है, क्योंकि लास्ट वीक में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। लुक एट द रिटर्न 13.49% फ्रॉम द 83 टू 94। एज आई सेड ये स्टॉक कुछ टाइम पहले ही 80 के करीब था एंड वन मंथ अगर लोग देखोगे 78.6 से 79 80 के करीब था, वहां से स्टॉक यहां तक आया है, यानी जो रिटर्न है बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 20% स्टॉक ने रिटर्न दिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल इन लेस देन वन मंथ। इन्होंने वन मंथ से स्टॉक को होल्ड करके रखा है, उनको भी 20% रिटर्न मिला है, जो कि मोर देन म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा होता है बहुत केसेस में। अगर हम 3 मंथ का भी रिटर्न देखें सो 78 इज द लो, 6 मंथ का भी 77.5, सो दिस इज द लेवल 78-80 इज द सपोर्ट, वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, बट 100 के ऊपर बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं किया, 107 तक भी है तो 3 मंथ में गया, 7 मंथ में, 6 मंथ में गया, बट वहां से निफ्टी का रेक्टर बैंक निफ्टी का रेक्टर डेफिनेटली स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट दिया, यानी 1 ईयर का हाई भी 107 है। सो 100 के पार अब स्टॉक जाए सो 105 एंड 107 इज अ बिग रेजिस्टेंस, उसको अगर क्रॉस करके 110 तक चला जाए जो कि इसका 3 ईयर्स हाई है, उसके बाद ये स्टॉक पीछे मुड़के नहीं देखेगा एंड आई एम गिव यू गारंटी 120-150 के रेंज के ये स्टॉक डेफिनेटली जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अगर स्टॉक का 200 है 100 है सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखा सो 85.6 एंड 88, लास्ट टाइम इसके नीचे चला गया था तो वीक लग रहा था स्टॉक, बट इसने अपने सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा है एंड फिर से ये स्टॉक 94 के करीब आ गया है, जो बहुत अच्छा मूवमेंट है। सो डेफिनेटली नीचे की तरफ जो सपोर्ट है फिर से 90-88 होगा, जो कि 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, मार्केट करेक्ट हुआ तो भी करेक्ट होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बैड न्यूज, बट स्टॉक मार्केट में बैड न्यूज कभी भी आ सकते हैं किसी स्टॉक को लेकर, बट डेफिनेटली इस बाय ऑन डिप स्टॉक एंड होल्ड कीजिए। डेफिनेटली जिन्होंने नीचे बाय किया वो भी होल्ड कीजिए, जिन्होंने ऊपर बाय किया 90 आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे जाए तो फिर से स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है, 85 तक जा सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। सो डेफिनेटली एंड 100 इज अ रेजिस्टेंस, उसके करीब जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था आएगा, बट 100 को अगर ये स्टॉक ने क्रॉस कर दिया सो डेफिनेटली 105 एंड 107 के रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना ही है, उसके ऊपर ये स्टॉक नहीं रुकने वाला। सो शॉर्ट टर्म में 105 आपका एक टारगेट होगा, 100 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं कि उसको ये ब्रेक नहीं कर सकता, बस उसके ऊपर सस्टेन करना इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। पीयर्स के साथ कंपेरिजन करें सो बैंकिंग में इनके जो मेन पीयर्स है उनमें कौन कौन से कंपनी शामिल है, उनमें नॉर्मली आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, ऑलरेडी बंधन बैंक इज अ मच मोर लार्जर बैंक अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप, बट फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दीज आर द पीयर्स। कुछ पीएसयू बैंक्स भी है लाइक सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बट डेफिनेटली फेडरल बैंक इज फेडरल बैंक, जिसका
परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग मुझे अट्रैक्टिव लगता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज अ लॉस मेकिंग बट इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एनपीए में अच्छा खासा सुधार है। ओनली फेडरल बैंक इस लिस्ट में ऐसा है जिसने प्रॉफिट भी कमाया है एंड इनका जो एनपीए स्ट्रक्चर है वो भी सुधरा है, सो डेफिनेटली इसको आपको रेडर में रखना है। नाउ सी द स्टैंड अलोन रिजल्ट एंड सी द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट को, प्रॉफिट 460 करोड़ वर्सेस 367 करोड़, सो प्रॉफिट में हमने अच्छा खासा सुधार देखा है। जहां पे मार्च में 478 का वहां से तो थोड़ा कम है बट जून से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, कंसिस्टेंट परफॉर्मर सी है, 380-400 के करीब इसका हमेशा से परफॉर्मेंस रहता है। सो सेल्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी घटा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट को भी इन्होंने बढ़ाया है। वन टाइम इनकम ऑलवेज 500-400 करोड़ रहता है, सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इज गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनपी 3.5 से 3.24 एंड नेट एनपी 1.23 से 1.12। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर नेट एनपी बिलो 1 चला जाता है ये स्टॉक तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में 10% से ज्यादा मूव कर जाएगा एंड ग्रॉस एनपी वी होप के बिलो 3% चला जाए जो इसका नॉर्मल होता है। डेफिनेटली इन दैट केस हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे थे, 486 का प्रॉफिट वर्सेस 357 एंड यहां पे भी 3.51 से 3.22 ग्रॉस एनपी, नेट एनपी 1.28 से 1.15%। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे देयर इज नो प्रमोटर्स होल्डिंग दैट इज द मोस्ट गुड थिंग बिकॉज बैंक परफॉर्मेंस अच्छा करता है, सो फायदा एफआईडीआई पब्लिक होल्डिंग यानी शेयर होल्डर को मिलता है क्योंकि एफआई में बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं, डीआईपी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी होते हैं एंड पब्लिक होल्डिंग तो जो है उसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी डायरेक्टली इन्वेस्टर होते हैं। 26% एफआई के पास है, डीआई इज वेरी बुलिश 42% उनके पास है, पब्लिक होल्डिंग 31.55। ऐसे बहुत कम स्टॉक है जिनमें एफआई डीआई से पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होता है, यानी जो हमारे इंडियन कंज्यूमर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा बुलिश है, उनका जो होल्डिंग है वो बहुत अच्छा है। ऑल्दो अगर हम जून 2021 से कंपेयर करें सो डेफिनेटली एफआईडीआई का होल्डिंग थोड़ा घटा है एंड डीआईआई एंड पब्लिक होल्डिंग घटा है, एफआई का होल्डिंग थोड़ा बढ़ा है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग क्योंकि एक टाइम एफआई का होल्डिंग बहुत ज्यादा था डीआई का कम, बट डीआईआई ने भी बहुत ज्यादा होल्डिंग बढ़ा है, सो थोड़ा कम ज्यादा होने से डिफरेंस नहीं होता। यह था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस, वीडियो इंफॉर्मेशन लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।